शहर के डीपीएस स्कूल के पास से किराए के मकान से 12 वर्षीय लड़का 5 दिनों से लापता, परिजन अनहोने की जताया आशंका। दरअसल हम आपको बता दें कि हिलसा थाना में नीरज कुमार के द्वारा मंगलवार को एक गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया गया है, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिन पूर्व हिलसा शहर के डीपीएस स्कूल के पास से किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करने वाला एक लड़का गायब है, जिसको लेकर परिवार वाले अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। वहीं मंगलवार को पत्रकार से बातचीत में परिजनों ने बताया कि यह लड़का मूलतः हिलसा मंडल के कछियामा गाँव के सूर्यकांत कुमार उर्फ आकाश कुमार है, जो कि हिलसा शहर के डीपीएस स्कूल के पास एक किराए के मकान में रहकर वह पढ़ाई करता था। उसके न मिलने से परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। सरिता कुमारी, आपके हाथ में जो तस्वीर है कौन लगता है? वो भतीजा। क्या नाम है इसका? आकाश कुमार। इसका पिता का नाम? निरोध कुमार। इसका आकाश कुमार, पिता का नाम निरोध कुमार। घर कहाँ? कछियामा। कहाँ से गायब हो गया? मेरे सास ने। गायब हो गया है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कितना दिन हो गया? शुक्रिया के गया है। थाना में आवेदन दे दिए हैं? हाँ, अब तक नहीं मिल पाया है। हाँ। परिजन के यहाँ खोजबीन किए हैं फोन के माध्यम से या जाकर? हाँ। नहीं मिल पाया अब तक। कौन सा क्लास पढ़ता था? क्लास नुमा में पढ़ता था, 9th क्लास में। इस बार 10th में जाएगा।